सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्कॉलरशिप फॉर्म को रिन्यू करने के लिए अपने किसी भी फ़ोन या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। उसमें आप सर्च करें MPTS। उसके बाद जो भी आपको नीचे पे फर्स्ट वेबसाइट दिख रहा है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है नीचे, जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ सामने एक विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें आपको अपने आईडी और पासपोर्ट लिखने होंगे जो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म डालते वक्त मिले होंगे। तो इसमें आप अपना फर्स्ट कॉलम पर अपना आईडी डालें जो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म पर लिखी होगी। उसके बाद जो आपका जो पासपोर्ट है जो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म डालते वक्त बनाया था उसमें अपना पासपोर्ट डालें। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिख रहा है उसे यहाँ पर इस नीचे वाले बॉक्स में कैप्चर डालें, जो नंबर दिख रहे हैं उसको सही साइड इसमें देख कर आप अपना कैप्चर डालें। कैप्चर डालने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा लॉगिन, इस पर लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे एक आवश्यक सूचना आ रही होगी जिसमें आप उसको क्लोज करें पढ़ के। यदि आपका अकाउंट जीरो बैलेंस का तो इसकी आपको लिमिट बढ़ानी होगी, तो इसको क्लोज करें। क्लोज करने के लिए आपको सबसे ऊपर यहाँ लिखा रहा है क्लोज पे क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखा रहा है PMS, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसमें जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन लिखा है एप्लीकेशन अप्लाई और सेकंड नंबर पर लिखा है एप्लीकेशन स्टेटस, तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन अप्लाई पे करना है ताकि आप अपने सेकंड ईयर का फॉर्म अप्लाई कर सकें। जो भी थर्ड ईयर का फॉर्म आपको अप्लाई करना है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा रहा होगा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23, यानी जो 2022-23 के लिए साइट ओपन है। तो इसमें नीचे कुछ रेड अक्षर में लिखा है जो आपको बैकअप पढ़ लेना है, जिसमें पिछड़े वर्ग पोस्ट मैट्रिक नवीन छात्रवृत्ति जो फर्स्ट ईयर की जो छात्रवृत्ति है कि जो लास्ट डेट है 30 जून है जो ख़त्म हो चुकी है, और जिसमें नीचे लिखा है पिछड़े वर्ग मतलब जो OBC की छात्रवृत्ति की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई से पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो इसमें फर्स्ट पहले आपको यहाँ लिखा रहा होगा एडमिशन वर्ष, इसमें जिस वर्ष में आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था उस वर्ष में आपको यहाँ पर एडमिशन वर्ष डालना है। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा आवेदन का प्रकार, जिसमें आप आवेदन किस प्रकार करना चाहते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको न्यू करना, और यदि आप रिन्यूअल करना तो इसमें रिन्यूअल करना। नीचे आपको लिखा रहा है कोर्स वर्ष, यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी आपका उसमें वहाँ पर करने के बाद आपको नीचे लिखा रहा है गो फॉर अप्लाई, इस गो फॉर पर आपको अप्लाई करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपके जो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी जो आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरते वक्त डाली होगी। यदि आप अपनी यदि इंफॉर्मेशन को पढ़ लेने इसमें कुछ गलत हो या आपने कुछ आधार कार्ड में अपडेट कराया हो तो इसमें आप इसमें जानकारी देख लेना। इसके बाद आपको नीचे नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा पढ़ते हुए ताकि कोई गलती ना हो। नीचे आते हुए आपको नीचे लिखा रहा होगा लास्ट कोने में अप्लाई रिन्यूअल, यानी अप्लाई करने के लिए रिन्यूअल करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक है नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको लिखा हो क्या आप दर्ज की जानकारी जानने के लिए सेव करना चाहते हैं। तो यस पे क्लिक करें। जो आपने यदि पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लिया उस बिल्कुल सही हो तो आप यस पे क्लिक करें, यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करें। तो यस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक और आ रही होगी नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें आपको जानकारी मिलेगी जो भी आपके अकाउंट से संबंधित होगी। तो यदि आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अभी भी लास्ट टाइम है। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आते हुए आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन देख लेना है जिसमें आपको कुछ लगे तो आप करेक्शन कर सकते हैं। और नीचे से आप लिखा है यदि आपकी इंफॉर्मेशन सही है तो आप, मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, इस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। और उसके बाद लास्ट कोने में आपको लिखा है सबमिट, फाइनली सबमिट करके आप अपनी इसको कर सकते हैं। क्या आप नवीनकरण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये करना चाहते हैं तो हाँ, यदि नहीं करना चाहते नहीं, इस पर आपको हाथ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा आएगा आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, मतलब सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया। यदि आप वो कुछ अन्य भक्ता या विकलांग भक्ता प्राप्त हो तो आप हाँ में सहमत हो क्लिक करें। यदि नहीं है इसी में आपको खाली स्कॉलरशिप भी फॉर्म भरना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से।
विजिट पे क्लिक करें। उसके बाद आपका जो स्कॉलरशिप फार्म है वो रिन्यू हो चुका है, इसे आपको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने यहाँ पर जाना है एप्लीकेशन स्टेटस पे। इसमें आपको नीचे देख सकते हैं कि आपका जो रिन्यूअल फार्म डल चुका है, जो फार्म अभी पेंडिंग में और वेरिफिकेशन पे है, इसको डाउनलोड करने के लिए इसे राइट कोने पे क्लिक करके आप यहाँ पर कर सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसे इसका प्रिंट ले सकते हैं और अपने कॉलेज में इसको जमा करना है, ताकि आपकी स्कॉलरशिप आपके कॉलेज के द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाए। प्रिंट करने के लिए आपको उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा है सेव टू पीडीएफ, उस पर पीडीएफ पर क्लिक करने के लास्ट में कौन लिखा है सेव, इस पर सेव करें। आपका फार्म आपको इस पर प्रिंट निकाल के अपने कॉलेज में जमा करें। वीडियो चले, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।